जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज माँ। मैं हूँ आप मन के संग मनीरज। खबर छत्तीसगढ़ के शुरुआत करवो। आज पूरा विश्व में नशा ले होइया दुष्परिणाम ला देख देश ला नशा मुक्ति के संदेश देहे उत्तराखंड के नौजवान युवक ह पदयात्रा शुरू करी। ये पदयात्रा के दौरान युवक ह देश के कई राज्य के भ्रमण कर चुके हैं। अही पड़ाव में युवक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग पहुंची। दरअसल आज पूरा देश में युवा नशा के ग्रस्त में है। लगातार देश के अलग अलग राज्य ले नशा में धुत होके वारदात ला अंजाम देहे के खबर निकल के आगू आवत रही थे। देश में सबसे मजबूत कड़ी माने जाए वाला युवा के झुंड नशा के गिरफ्त में है। ऐसे में युवा के मानसिक प्रेरणा स्रोत बने आज ये युवक है यात्रा के माध्यम ले एक संदेश पहुंचाए के कोशिश करे है कि देश के कोई भी युवा चाहे कोनो भी स्तर के हो उमर ला नशा मुक्त रहना चाहिए। अही संदेश देवत उत्तराखंड के नौजवान युवक महेश नैनवाल है बिना पैसा के पद यात्रा शुरू करी और भारत भ्रमण करे के ठानी। उन्हें अपन पदयात्रा के पड़ाव में महेश बस्तर पहुंची। महेश नैनवाल बताइस के ओह उत्तराखंड केदारनाथ के जिला रुद्रप्रयाग के निवासी है। जनवरी ले अपन सफर नागालैंड राज्य ले शुरू करी और आज 12 राज्य भ्रमण के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंची। यहाँ ले आगू उड़ीसा होत आगे के सफर तय करी। महेश नैनवाल कहिस के मन में विश्वास इतना सब कुछ संभव है। युवा पीढ़ी ले अपील करे है कि नशा ला छोड़ा। नशा सिर्फ शरीर ला नुकसान करत है, नशा परिवार ला भी बिखेर देते। मैं जनवरी से भारत यात्रा पर निकला हूँ और करीब मुझे आज 164 दिन हो गए हैं। इन दिनों में मैंने 12 राज्य कवर कर चुका हूँ और आज 13वें राज्य की तरफ जा रहा हूँ जो कि उड़ीसा की तरफ मैं आज निकल रहा हूँ। मैं कल शाम को जगदलपुर में आया था और जगदलपुर में काफ़ी अच्छा मेरा स्वागत हुआ है, तो जगदलपुर वासियों के लिए मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं जो उद्देश्य लेके आया हूँ, मैं पैदल और बिना पैसा पूरा भारत यात्रा कर रहा हूँ और यूथ के लिए एज ए इंस्पायर बन रहा हूँ कि आप लोग एक तो सबसे पहले कि आप लोग मतलब नशा मत कीजिए, नशा मुक्त रहिए और तभी आपका सोच बढ़ेगा, आप कुछ कर पाओगे। अपने जो यूथ है जो कि 18 से 25 साल के बीच में है, खासकर ये लोग जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। और दूसरा उद्देश्य ये है सर कि अगर कोई स्टूडेंट भारत के किसी भी कोने में जाना चाहता है, रिसर्च पर्पस से हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हो या किसी के कल्चर को दिखाना चाहता हो, तो या कोई बुक लिखना चाहता हो, और अगर उसके पास पैसे की समस्या है, वो मतलब गरीब परिवार में पैदा हुआ है या फिर उनका बहाना भी है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है ये सब करने के लिए, तो उनके लिए इंस्पायर हूँ कि विदाउट मनी भी आप पूरा इंडिया विजिट कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो अगर आपके अंदर लगन है उस काम को करने की। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? सर चुनौतियों की अगर बात करूँ तो अभी तक मैंने ठंड में ये यात्रा शुरू की थी तो तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसके बाद गर्मी शुरू हुई और अभी बरसात शुरू हो गई है, तो मतलब हर एक मौसम के साथ मैं लड़के अपने सफ़र पे आगे निकल रहा हूँ। और मैंने जो राज्य कवर किए हैं उनमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और झारखंड, उसके बाद झारखंड के बाद मैं बिहार गया, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में आया हूँ। बैड एक्सपीरियंस की भी बात सर, बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ पटना में हुआ था। एक्चुअली वहाँ पे कुछ किन्नर लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया था और मेरे से ज़बरदस्ती 2000 रुपये की मांग की कि आप 2000 रुपये दो वरना हम आपका फ़ोन नहीं देंगे, फोड़ देंगे। तो मैं बोला मैं तो बिना पैसे पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो उनको कन्विंस करके लास्ट में मैं उनको 500 रुपये गूगल पे के माध्यम से उनको मैंने ट्रांसफ़र किए। आगे की क्या रणनीति सर? आगे मैं पूरा 28 राज्य भ्रमण करने के लिए निकला हूँ जो कि मैं करीब 12 राज्य कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं उड़ीसा की तरफ जा रहा हूँ और ये जो मेरी यात्रा है ये मैं हिमाचल में ख़त्म करूँगा सर। ऐसा कुछ समय आया था कि बस अब हो गया वापस चलती? हाँ सर, जब मैं कभी बैठ जाता हूँ और सोचने लग जाता हूँ तो माइंड में चलता है ख्याल कि आप चला जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से लड़ता हूँ। मेरा जो मतलब आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा है।